नमस्कार, क्राइम पेट्रोल देख रहे हैं आप और मैं आकाश देशवाल। बीते दिनों ग्लोबल इन्वेस्टर समिट के दौरान पीएम मोदी ने कहा था कि आने वाला दशक उत्तराखंड का दशक होगा, लेकिन जैसे हालात उत्तराखंड के हैं उसे देखकर तो ये नहीं लगता, क्योंकि जब बात उत्तराखंड की या फिर किसी भी राज्य की हो तो सिर्फ उस राज्य की राजधानी में विकास करा देना ही काफ़ी नहीं होता, बल्कि पूरे राज्य की स्थिति में सुधार करना होता है। लेकिन उत्तराखंड का बागेश्वर कई अलग अलग समस्याओं से जूझ रहा है, जिनमें पहली है कि बागेश्वर के धुराफाट क्षेत्र की जिसके अंतर्गत आने वाले गाँव में असो, मल्लाकोट, साता, तारमोली, पाना क्षेत्र की अर्थव्यवस्था लंबे समय से पोस्ट ऑफिस के भरोसे चल रही है। ग्रामीण अपना लेन देन पोस्ट ऑफिस के माध्यम से करते आए हैं। बीते 3 महीने से पोस्ट ऑफिस में पोस्ट मास्टरों का अभाव होने के कारण ग्रामीण इलाकों में खुले पोस्ट ऑफिसों में या तो ताले जड़े हैं या मात्र 2 घंटा पोस्ट ऑफिसों को खोला जा रहा है। अब इसी के चलते ग्रामीणों की अर्थव्यवस्था चरमराई हुई है। ग्रामीणों को अपनी पेंशन निकालने के लिए 500 रुपये का किराया लगाकर गाड़ी बुक करके खांग कर जाना पड़ता है। यहाँ पर गांव की काफ़ी स्थिति ख़राब चल रही है। पोस्ट मास्टर यहाँ पर एक व्यवस्था पर रखे गए जो करीब 7-8 ग्राम सभाओं के देखभाली में आ रहे हैं, वो भी कभी 1-2 घंटा आते हैं, वो भी चले जा रहे हैं। तो हमारे पास करीब 80% जो है वृद्धावस्था वाले पेंशनर हैं और विकलांग पेंशनर हैं, उनको काफ़ी परेशानी झेलनी पड़ रही है। यहाँ से खांकर जाना पड़ता है, खांकर में आने जाने में उनका 500 से 600 रुपये खर्चे होता है, जिससे काफ़ी समस्या हो रही है। जो बुज़ुर्ग महिलाएं हैं उनको डोली से ले जाना पड़ रहा है, ये समस्या हो रही है, इसलिए तुरंत यहाँ पर डाक जो व्यवस्था है तुरंत सुचारू ढंग से चालू किया जाए। दूसरा, यहाँ की आवास योजना लगातार सवालों से जूझ रही है। आवास सूची में नाम आने के बाद भी पात्र लोगों को योजना का लाभ नहीं मिल रहा है, उनके घर गायब हैं। मेरे पास तो मकान भी नहीं है, मकान मेरा आया था पता नहीं कहाँ चले गया और मुझे मकान नहीं मिला और मेरी स्थिति बहुत ख़राब है, बच्चे दबने वाले हैं, मेरा मकान देखा जाए। और पहले मेरा मकान आया कह रहे थे, आ गया कह रहे थे और पता नहीं मकान कहाँ चले गया, मेरे को दबने की संभावना बहुत है और इसको देखा जाए और यहाँ जांच की जाए, ठाकुर है। तीसरा है पानी और बिजली की परेशानी। सोचिए, जहाँ देश के प्रधानमंत्री लगातार गांव-गांव तक बिजली पानी को पहुँचाने की बात करते हैं, तो ये क्षेत्र आज भी ऐसा है जहाँ इन चीज़ों की समस्या है। यहाँ आधे गांव तक पहुँचने के लिए रास्ते तक नहीं बने हैं। सर, यहाँ धुराफाट में तो वैसे परेशानी है, पानी की परेशानी, लाइट की परेशानी, अभी तक कॉल नहीं आए, कई बार लिखा भी थी, उसके बाद यहाँ पर हैंडपम्प के बारे में कहा था, वो भी नहीं किया अभी तक। यही मेन रास्ता है, आधा गाँव हमारा नीचे है सर, जिसमें वो रास्ता बनानी है। डाक विभाग में जो भी है, यहाँ से घर छोड़ के जा रहे हैं वहाँ डाक विभाग में, तो उधर कभी डाक वाले है कभी नहीं है, उन लोगों वो परेशान। तो समस्या सर, इस बात को आगे ले जाना सर, वहीं से मतलब जो भी है अपना जो भी डाक के विभाग के, वो तो जरूरी चाहिए इधर सर। और इन सभी परेशानियों से अलग परेशान करने वाली बात है यहाँ के विधायक का बयान। बागेश्वर की विधायक पार्वती दास को जब धुराफाट क्षेत्र के गांव की समस्या से अवगत कराया गया तो उनका कहना है कि धुराफाट क्षेत्र के लोगों को अगले साल विधायक निधि दी जाएगी, इस साल का कोटा पूरा हो चुका है, विधायक का कोटा गया तो गया कहां। पानी की समस्या को लेकर विधायक जी का कहना है कि धुराफाट में जो पानी की समस्या है वो पूरी हो जाएगी, हर घर जल हर घर नल, जो प्रधानमंत्री की योजना है उसके तहत मार्च तक पानी मिल जाएगा, यानी यहाँ के लोग अपनी प्यास को मार्च तक रोक कर रखें, पानी से जुड़े सारे काम मार्च के बाद ही होंगे। हैरान करने वाली बात है कि बागेश्वर से होकर ही सरयू नदी भी निकलती है जो अयोध्या को जोड़ती है, ऐसे क्षेत्र में भी अगर पानी की समस्या होगी तो सोचने वाली बात है कि बाकी लोगों का क्या होगा। विधायक बागेश्वर पार्वती दास का कहना है कि मैं लगातार धुराफाट क्षेत्र का दौरा कर रही हूँ। सवाल ये नहीं है कि दौरा कर रहे हैं या नहीं, सवाल ये है कि क्या दौरा करने से ग्रामीणों तक पानी पहुंच जाएगा। चलो मान लिया कोटा नहीं है, तो क्या इसके लिए उन्होंने मुख्यमंत्री से गुहार लगाई कि यहाँ के लोगों को पानी की कमी जैसी गंभीर परेशानी से जूझना पड़ रहा है, उनकी मदद के लिए कुछ फंड दिया जाए। समस्या से 2-4 होती धुराफाट के ग्रामीणों की जिंदगी की परेशानी क्या विधायक पार्वती दास के आश्वासन से कम हो जाएगी? इस समय की तो विधायक निधि समाप्त हो चुकी है, लेकिन अगले सत्र में जो नया सत्र चलेगा उसमें मैं उस क्षेत्र को भी देखूंगी, क्योंकि
पानी की जो परेशानी है वो तो ये मार्च तक वो जो पंपिंग योजना है उस वो पूरी हो जाएगी वहाँ की, तो सभी लोगों को पानी मिलेगा और हर घर जल हर घर नल जो हमारे प्रधानमंत्री जी की योजनाएँ हैं वो पहुँचूंगी। ये 3-4 बार तो मैं चली गई हूँ वहाँ पर, कैसा दौरा नहीं हुआ। सभी वहाँ की रोडें जो थी वो भी दुरुस्त कर दी गई हैं, सबसे ज़्यादा वहीं का हुआ और सभी लोग हमारे कार्यकर्ता भी साथ में हैं, सभी हम जाते हैं अपने क्षेत्रों का भ्रमण करने के लिए।